आने वाले दिनों में आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। मेरे प्यारे परिवारजनों, जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए, 2-3 हजार रुपया दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है, वो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में दी। और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20 हजार करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं, लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ, जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना लेकर के समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। गरीबी कम होती तो देश की मध्यम वर्ग की ताकत बहुत बढ़ती है। और अगर दुनिया में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा, ये पक्का जगह ले लेगा। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर हुए आए हुए लोग हैं, वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है। जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है। और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थचक्र होता है, हम उसको बल देकर के आगे चलना चाहते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं। और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। मेरे प्यारे परिवारजनों, विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया, युद्ध ने फिर एक नई मुसीबत पैदा की। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं, तो हमें सामान तो इम्पोर्ट करते हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इम्पोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए बरसक प्रयास किए हैं। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा।